अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने चैप्टर 7 यानी डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क को स्टार्ट कर लिया है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, बेसिक एलिमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी जो हमारा टॉपिक 7.1 है उसे कम्प्लीट करेंगे। आप चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आप डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, उसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम क्लियर कर देंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। एग्जांपल कुछ यूं है कि फर्ज करें कि ये आपकी एक मोबाइल डिवाइस है, ये आपका मोबाइल है और यहाँ पर कहीं भी दूर या मोहल्ले में कह सकते हैं या दूसरे सिटी में यहाँ पर कोई आपकी एक दोस्त रहती है और उसके पास क्या है जी, कंप्यूटर है। फर्ज कर लें ये कंप्यूटर है, जैसा भी है, चलें जी ये कोई कंप्यूटर है और या आपकी दोस्त का है। आपने एक मैसेज सेंड किया अपने दोस्त को, ठीक है, अपनी मोबाइल डिवाइस से, हो सकता है ये एक व्हाट्सएप मैसेज था और उसने अपनी डिवाइस पे उस मैसेज को रिसीव कर लिया है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मैसेज था ये डाटा था। डाटा क्या होता है, रफ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी ये कोई मैसेज आपका एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है जिसमें आपने उसका हालचाल पूछा है या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, या आपका कोई वॉइस मैसेज हो सकता है, इसके अलावा आपने कॉल कर दी है, इसके अलावा आपने कोई पीडीएफ सेंड कर दिया, कोई फाइल सेंड कर दी है, किसी भी किस्म का डाटा आपने क्या किया है, सेंड किया है और उसने उस डाटा को, उस मैसेज को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर हो जाए उसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो कोई ना कोई रास्ते से जा रहा था, ठीक है। अब किस फॉर्म में जा रहा था, दो चीजें आ रही हैं कि कौन सी फॉर्म थी और किस तरह से वो गया। अगर हम फॉर्म की बात करें, जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो वो सिग्नल की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि एक वेव की सूरत में, सिग्नल की फॉर्म में डाटा मेरी डिवाइस से मेरी दोस्त की डिवाइस तक चला गया। तो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसको हमने कहा कि डाटा कम्युनिकेशन हो चुकी है। फिर जब हमने ये देखा कि किस फॉर्म में गया तो हमें समझ आ गई कि वो सिग्नल की फॉर्म में गया है, और जब डाटा जा रहा होता है तो इसको कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। तो हमने तीन डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया है डाटा कम्युनिकेशन के टॉपिक में कि जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन होगी, और जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो सिग्नल की फॉर्म में होता है, और जब ट्रांसमिट हो रहा है तो इसी को हम डाटा ट्रांसमिशन कहेंगे। डाटा ट्रांसमिशन के बारे में मजीद डिटेल में बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल इतना ही आप समझे कि डाटा ट्रांसमिशन ये है और किस फॉर्म में डाटा गया, सिग्नल की फॉर्म में गया। अब उसने भी आपको मैसेज का कोई रिप्लाई दिया होगा, तो इसका मतलब डाटा कम्युनिकेशन में दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस आप कह सकते हैं, यानी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है, इसी को हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब जब डाटा सेंड हुआ है तो इस डिवाइस को क्या कहेंगे, जब आपने मैसेज सेंड किया अपने दोस्त को तो हम कहेंगे कि ये सेंडिंग डिवाइस थी हमारी, ठीक है, और ये वाली डिवाइस जो कि एक कंप्यूटर है आपके दोस्त का, इसको हम कहेंगे कि ये एक रिसीविंग डिवाइस थी। तो दो चीजें हमें क्लियर होगी कि जो डाटा को सेंड करेगी वो सेंडिंग डिवाइस होगी, यहाँ पर आपका मोबाइल डिवाइस एक सेंडिंग डिवाइस है, और जहां पर डाटा को रिसीव किया जाएगा वो मैसेज हो सकता है, वो कोई वॉइस कॉल हो सकती है, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, जो डिवाइस उसे रिसीव कर रही होगी उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहेंगे या फिर सिंक डिवाइस कहेंगे। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आ सकती है, आपका मोबाइल डिवाइस एज अ सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, इसी तरह कंप्यूटर सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। उसके बाद दो आपके बेसिक एलिमेंट रह जाते हैं, जैसे कि हमने सेंडिंग और रिसीविंग कर लिया है, तो एक है कम्युनिकेशन डिवाइस और एक है ट्रांसमिशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करें तो हमने कहा कि जब डाटा रिसीव किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया गया डाटा और अगली डिवाइस ने उसे रिसीव भी कर लिया, तो उसको हमने कहा कि ये डाटा कम्युनिकेशन होती है। तो यहां पर जब डाटा सेंड किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इस डिवाइस से डायरेक्ट सेंड हो जाता है, बल्कि यहां पर भी कोई एक डिवाइस होती है जो इस मैसेज को सेंड करने के काबिल बना देती है कि वो डाटा सिग्नल की फॉर्म में यहां पर जा सके, और यहां पर भी एक डिवाइस होती है रिसीविंग साइड पर जो कि सिग्नल वाले मैसेज को इस काबिल बना देती है कि जो ये डिवाइस है वो डाटा को शो करवा सके या फिर जो रीडर उसे
रीड कर सके। तो इसका मतलब कोई डिवाइस जो डाटा को सेंड कर रही है, जिसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं, इसी तरह जो डिवाइस डाटा को रिसीव कर रही है, जिसे हम रिसीविंग डिवाइस कहते हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए ही कर पाती हैं। यानी डाटा को जब सेंड किया गया तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिसने डाटा को इस काबिल बना दिया कि वो सेंड हो सके। इसी तरह यहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिसने इस काबिल बना दिया कि डाटा रिसीव हो सके और कम्युनिकेशन मुकम्मल हो सके। इसी तरह इन डिवाइसेस को यहाँ पर, जैसा कि मैंने कुछ कर दिया है, समझ लें यहाँ पर डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइस कहेंगे, जिसमें मोडम आ जाता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हर सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों में ही मौजूद होते हैं, ताकि वो डाटा को सेंड भी कर सके, रिसीव भी कर सके। तो यहाँ पर हमने बेसिक एलिमेंट को भी कवर कर लिया है, जिसमें आपका सेंडिंग डिवाइस है, रिसीविंग डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, और एक रह गया ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम को समझाने के लिए थोड़ा सा दोबारा से हम इसे रेज कर देते हैं, दोबारा से समझते हैं। हमारा बेसिक एलिमेंट एक रह गया, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप समझ लीजिएगा इसे। जैसा कि यहाँ पर एक डिवाइस है हमारी, ओके, और यहाँ पर भी एक डिवाइस है। अब यहां से डाटा इधर गया और यहां से डाटा इधर रिसीव भी हो गया, लेकिन जब डाटा यहां पर जा रहा था तो एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा को कैरी किया गया तो किस फॉर्म में किया गया? क्या यहां पर कोई वायर थी जिस वायर के जरिए ये डाटा एक डिवाइस से दूसरी जगह गया, या फिर ये डाटा सिग्नल की फॉर्म में गया? इसी को हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। यानी ये जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये किस फॉर्म में जा रहा है, किस रूट से इसको किस तरह से लेकर जाया जा रहा है? तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या करते हैं, ये एक जगह से मैसेज को लेते हैं और दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। और ये वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर बेस भी हो सकते हैं। सिंपल इतना समझें कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है, इनका काम यह है कि यहाँ पर जो डाटा था, जिसको बाद में एक कम्युनिकेशन डिवाइस ने कह दिया कि आप इसको लेके जाएं, अब कम्युनिकेशन डिवाइस के बाद इस डाटा को लेकर कौन जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम जाएगा दूसरी डिवाइस तक, जो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस है। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या करेंगे, एक डाटा को लेकर जाएंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। तो चार के चार हमने बेसिक एलिमेंट देख लिए हैं, उसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इससे कभी भी इससे मिस किए बगैर नहीं जाना पेपर में, यानी इसको आप चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। डाटा कम्युनिकेशन समझ लें कि ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस लिखा है मैंने। एक होती है हमारे पास वायर बेस और एक होती है वायरलेस। एक होती है वायर बेस, एक क्या है जी, वायरलेस। अगर तो जब डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है, जिसको हमने डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कहा, इस तरह से अगर तो ये डाटा वेव्स की फॉर्म में जाएगा, वेव्स की फॉर्म में जाएगा, तो ये वायरलेस होगा। और अगर इसके लिए एक वायर लगी होगी तो इसे हम कहेंगे ये वायर बेस। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। हमें पता है दो डिवाइसेज हैं, जैसा कि हमने एक एग्जांपल से ही सारे इस कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। हमारे पास दो डिवाइसेज है, ठीक है। तो डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, किस तरह से डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन एक वायर के जरिए हो रही है, यानी एक केबल है जिसके जरिए दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट है, जैसे कि मैं कह दूं कि यहाँ पर फर्ज करें एक प्रिंटर है, कुछ इस तरह से आप समझ लें कि एक डिवाइस है जो कि प्रिंटर डिवाइस है। अब जो कंप्यूटर है और जो प्रिंटर है, एक केबल के जरिए कनेक्ट है, इसको भी केबल लगी है, इसको भी ये वाली केबल लगी है। इस केबल की वजह से जो डाटा है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। और अगर ये वेव्स की सूरत में हो रहा है, बल्कि ये वाली जो आपने अभी देखी कि एक वायर है, ये वायर नहीं है, बल्कि सिग्नल की फॉर्म में या वेव की फॉर्म में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो हमने दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को देख लिया, एक होती है वायर बेस और एक होती है वायरलेस। वायर बेस की बात करें तो इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फायर ऑप्टिक केबल शामिल है, और इसी तरह वायरलेस की बात करें तो इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह शामिल हो जाती हैं। इसको मजीद डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही आप ओवरव्यू समझें इसका।
कि अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, स्टार्ट के लिए आपके लिए इतना ही जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी नेटवर्क कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में नहीं पता तो आपने अभी के लिए इतना ही समझना है। आप जल्दी से मैं इसे समराइज कर देती हूँ इस लेक्चर को कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि जब डाटा एक जगह से, जैसे कि यहाँ पे कोई मैसेज है, मैसेज के अंदर कोई भी डाटा हो सकता है, कोई आपने पिक सेंड की, वीडियो सेंड की, वॉइस सेंड की, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये डाटा है। जब आप मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं, यानी एक डिवाइस से आप मैसेज को दूसरी डिवाइस तक सेंड कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। अब जब डाटा कम्युनिकेशन हो रही है तो अगर वो सिग्नल की फॉर्म, वेव्स की फॉर्म में होगी तो हम उसको सिग्नल कहेंगे, और जब सिग्नल की फॉर्म में यहां पर डाटा सेंड हो रहा है इसको हम कहेंगे ये ट्रांसमिशन हो रही है। उसके बाद हमने बेसिक एलिमेंट को देखा कि जो डाटा को सेंड कर रही है उसे सेंडर कहेंगे, जो रिसीव कर रही है उसको रिसीवर कहेंगे। और जब डाटा को सेंड किया जाता है यहां पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिसकी वजह से ये पॉसिबल होता है कि डाटा सेंडर से रिसीवर तक गया है। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन डिवाइस लगी होगी उसको कम्युनिकेशन डिवाइस कहेंगे, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। इसी तरह ये रिसीवर साइड पर भी होना जरूरी है जो इस काबिल बनाती है कि जो डाटा सेंड किया गया उसे रिसीव भी किया जा सके। तो इस तरह से हमने कम्युनिकेशन डिवाइस को भी देख लिया। अब जब यहां पर कम्युनिकेशन डिवाइस काबिल बना रही है क्या वो वेव्स की फॉर्म में, सिग्नल की फॉर्म में डाटा सेंड हो सके, तो जब ये डाटा सेंड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम एक रास्ता होता है जो डाटा को यहां से लेकर यहां तक लेकर जाता है। अब ये वेव्स की फॉर्म में भी हो सकता है और ये केबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर तो यहां से सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा जा रहा है, सेंडर और रिसीवर आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्ट है, तो हम कहेंगे ये वाली जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये वाला जो डाटा यहाँ से लेकर यहाँ पर सेंड हो रहा है, इसको हम कहेंगे ये वायर बेस है। ये समझे, ये मैंने वायर बनाई है। ओके, अगर ये वायर की वजह से नहीं हो रहा बल्कि ऐसा हो रहा है जैसा कि आप अपने दोस्त को मैसेज सेंड कर रहे हैं अपने मोबाइल से, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। वहां पर कोई भी वायर नहीं है बल्कि वेव्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है। अब वो वेव रेडियो हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है। इसको मजीद डिटेल में समझेंगे, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। फिलहाल जो हमने टॉपिक कवर किया है वो 7.1 कवर कर लिया। आप चाहे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं कर सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इजी वे में। हो सकता है फिर भी कहीं पे पॉइंट मिस हो गया हो, आपको समझ ना आई हो, या इस तरह से समझाना आपको अच्छा नहीं लग रहा बल्कि कंप्यूटर बेस्ड ही समझाना सही लग रहा है, तो आप मुझे लाजमी से बताइएगा, फिर मैं कंप्यूटर में ही लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।